हेलो, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, बिकॉज रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जो अपना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो वैक्सीन्स या टीके लगते हैं बच्चों को जन्म के बाद जो रेगुलर अंतराल पे, उस गवर्नमेंट की शेड्यूल में भी इस वैक्सीन को इंक्लूड किया है। तो आज हम बात करेंगे कि सर्वाइकल वैक्सीन क्या है, क्या सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन क्या है या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन क्या है। एचपीवी वायरस जो होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो सर्वाइकल कैंसर जो मेनली फीमेल्स में होता है, सर्विक्स का कैंसर कॉज करने का मेन ऑर्गेनिज्म है। और सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में, महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर में से एक माना गया है, और उससे हर साल काफ़ी मॉर्टेलिटी या मृत्यु होती है। तो उसको रोकने के लिए सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया गया है। वो वैक्सीन काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, लेकिन अभी इसको गवर्नमेंट ने अपने शेड्यूल में इंक्लूड किया है, ताकि ये सभी खासकर बच्चियों को फ्री में मिल सके। और 9 से 14 साल की उम्र के बीच में 2 डोज इसकी लगाई जाती है, पहली डोज उसके 6 महीने के अंतराल में, दूसरी डोज, और अगर 14 साल के आगे उम्र है बच्चे की तो उसमें 3 डोज लगाई जाएगी, पहली डोज उसके 1 महीने बाद दूसरी, और तीसरी डोज 6 महीने पे। तो आप सभी इस बात का खास ध्यान रखें कि अपने घर में जो भी आपकी बेटी हैं, बच्ची हैं, उनको 9 साल से 14 साल की उम्र के बीच में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन ज़रूर लगाएं, और ये घातक बीमारी से बचाने में सहायता करें। थैंक यू।